गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप IAS डेली करेंट अफेयर MCQ डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम हर दिन कुछ महत्वपूर्ण सोर्सेज जैसे द हिंदू, मिंट, PIB, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, राज्यसभा TV इत्यादि से IAS या PCS में पूछे जा सकने वाले करेंट अफेयर के टॉपिक लेकर आते हैं, आपके साथ MCQ के रूप में डिस्कशन करते हैं। ये जुलाई महीने का हमारा चौथा डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उद्योग का हिस्सा है। यहाँ पर 6 उद्योगों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि कोर इंडस्ट्री का हिस्सा इनमें से कौन सा है। आप हमारे इस डिस्कशन को GS पेपर 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे संबंधित मुद्दे, विकास और वृद्धि से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन ए मतलब उर्वरक, रिफाइनरी और बिजली, आप देखेंगे कि ये सारे ऑप्शन में दिए हुए हैं। अगर हम बात करें तीसरे का यानी कि प्राकृतिक गैस का, तो प्राकृतिक गैस निश्चित रूप से ये कोर इंडस्ट्री का हिस्सा है, यानी कि जहां जहां 3 नहीं है आप उसे इलिमिनेट करें, तो आप इस विधि से केवल ऑप्शन ए को इलिमिनेट कर पाएंगे। सीमेंट बिल्कुल ये कोर इंडस्ट्री का हिस्सा है, इसलिए आप इसे देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन सी में नहीं है, सीमेंट उद्योग के बारे में नहीं लिखा गया है, यानी कि आप सी को भी इलिमिनेट कर देते हैं। पांचवे में लोहा के बारे में बताया गया है, ये कोर इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है, यानी कि आप आंसर तक पहुंच गए हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यदि हम बात करें कोर इंडस्ट्री का, तो भारतीय उद्योग जगत में ये काफी महत्वपूर्ण है। 8 उद्योगों को कोर इंडस्ट्री माना जाता है। भारतीय उद्योग में इनकी हिस्सेदारी लगभग 40% के आसपास है, यानी कि इस क्वेश्चन का हिसाब से हम देखें तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। यदि हम ये बात देखें कि ये अभी न्यूज में क्यों आया है, तो कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं जिनमें 8 मुख्य उद्योग या फिर कोर इंडस्ट्री है जिनका हिस्सा 40% के आसपास होता है, वो मई 2020 में कम होकर 23% पर आ गया है। लेकिन कुछ ऐसे उद्योग जैसे कि उर्वरक, इनमें वृद्धि देखी गई है, वैसे ही कोयला, उनमें भी वृद्धि देखी गई है। उर्वरक में इसलिए वृद्धि देखी गई क्योंकि लोग भले ही उद्योगों को संचालित नहीं कर रहे हैं, घरों में हैं, लेकिन फिर भी भारत सरकार के द्वारा कृषि संबंधी गतिविधियों को संचालित करने के लिए अनुमति दी गई है, कृषि संबंधी गतिविधि किया जा रहा है, और इसीलिए उर्वरक की मांग है, और इसी का ध्यान में रखते हुए जो कंपनियां हैं वो उर्वरकों को निर्मित कर रही हैं, और सिर्फ 2 ही सेक्टर, एक कोयला और दूसरा उर्वरक, इसमें वृद्धि देखी गई है। दूसरा जो सबसे ज्यादा गिरावट देखा गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है, आप याद रखेंगे स्टील सेक्टर है जहां पर सबसे ज्यादा लगभग 48.4% के आसपास गिरावट देखी गई है। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा गिरावट है वो सीमेंट के सेक्टर में है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम संचालित नहीं हो रहा है। यदि हम बात करें 8 मुख्य उद्योगों का, तो उसमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात यानी कि स्टील, सीमेंट और बिजली है, इसे आपको याद रखना है। इससे संबंधित दूसरी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आपको ध्यान रखना है, वो ये कि जो कोर इंडस्ट्री है उसका हिस्सेदारी भारतीय उद्योग में, भारतीय अर्थव्यवस्था में 40.27%, यानी कि आप सीधे सीधे याद रखेंगे 40% के आसपास हिस्सेदारी है। ये जो अभी विकास दर कम हुआ है उसका सीधा प्रभाव कहाँ पड़ेगा, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पर पड़ेगा, क्योंकि इसी 8 उद्योगों को ध्यान में रखकर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को तैयार किया जाता है। यदि हम बात करें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का, तो इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO के द्वारा मासिक आधार पर संकलित किया जाता है और प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक में मुख्य रूप से खनिज, खनन, विद्युत और विनिर्माण से संबंधित जो सेक्टर हैं उनको शामिल किया जाता है। IIP का यदि सबसे बड़ा हिस्सेदारी हम माने, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, IIP में सबसे बड़ा हिस्सेदारी किसका है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, लगभग 77.63% है। दूसरा माइनिंग है और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी।
मैंने कहीं कहीं देखा है स्टेट पीसीएस में भी पूछा जाता है कि आईआईपी में सबसे बड़ा हिस्सेदारी किसका है, आप याद रखेंगे मैन्युफैक्चरिंग का है, उसके बाद माइनिंग का, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि हम बात करें जो 8 कोर इंडस्ट्री हैं उनको सबसे बड़ा, उनको यदि देखें तो किसका हिस्सा सबसे ज़्यादा है, तो रिफाइनरी सेक्टर वो हिस्सा है जिनका हिस्सेदारी कोर इंडस्ट्री में भी लगभग 28% के आसपास है। कहने का ये मतलब है कि देखिए 40% हिस्सेदारी तो कोर इंडस्ट्री का है, ठीक, और 60% हिस्सेदारी जो है वो बाकी उद्योगों का है। लेकिन यदि हम 40% को 100% माने तो इसमें से 28% जो है वो रिफाइनरी का है, दूसरा जो उससे कम है वो विद्युत का है लगभग 20% के आसपास, इस्पात सेक्टर जो है वो लगभग 18% के आसपास है, कोयला लगभग 10% के आसपास है, ऐसे ही सारा कुछ है। आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में सजाने के लिए भी याद रखना है, क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। तो सबसे ज़्यादा आप याद रखेंगे रिफाइनरी, और सबसे कम जो है वो उर्वरक का है, लगभग 2.5% के आसपास इसकी हिस्सेदारी है। तो इन सारी बातों को याद रखेंगे, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, आई होप कि इसके बाद आप इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने पर सक्षम हो पाएंगे। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं, सही कथन की पहचान करनी है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 2 और 3 के गवर्नमेंट स्कीम इनिशिएटिव मतलब पहल, प्रदूषण और आधारभूत संरचना से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में दिए गए पहले कथन का, तो ये कथन कहता है कि यह गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद के क्रियान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है। याद कर लीजिए, बिल्कुल सही है, नमामि गंगा कार्यक्रम जो संचालित किया जा रहा है भारत में, उसको क्रियान्वित करने का जो दायित्व है वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को दिया गया है, यानी कि इसे आप याद रखेंगे। दूसरा कथन कहता है कि राष्ट्रीय गंगा परिषद भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में है, इसे भी आप याद कर लीजिए। जो राष्ट्रीय गंगा परिषद का निर्माण किया गया है, जो नमामि गंगे को लागू कराने का कार्य कर रहा है, उसकी अध्यक्षता सीधे सीधे प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। यदि हम बात करें कि ये अभी न्यूज़ में क्यों आया है, तो भारत सरकार ने नमामि गंगे के अंतर्गत पैसे खर्च करने के लिए विश्व बैंक से लोन की मांग की थी, इसका दूसरा संस्करण विश्व बैंक के द्वारा अनुमति दे दिया गया है, मतलब अब भारत को विश्व बैंक के द्वारा नमामि गंगे परियोजना पर खर्च करने के लिए 3,000 करोड़ रुपये आने वाले 5 सालों में मंजूरी दे दी जाएगी, मतलब मंजूरी दे दी गई है, वो पैसा भारत को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि विश्व बैंक के द्वारा नमामि गंगे योजना के अंतर्गत पहली बार पैसा दिया गया है या फिर भारत ने पहली बार लोन लिया है, ऐसा नहीं है। इससे पहले भारत सरकार के द्वारा 4,535 करोड़ रुपया, लगभग $600 मिलियन रुपया अनुमति लिया गया था, यानी कि उधार लिया गया था। इसको खर्च करने का जो समय सीमा है वो दिसंबर 2021 है। इसके बाद जब ये पैसा खत्म हो जाएगा, उसके बाद इस पैसे को खर्च किया जाएगा। यदि हम बात करें इस पैसे को किस सेक्टर में खर्च किया जाएगा, तो गंगा नदी के किनारे जो 97 अलग अलग शहर हैं और हजारों की संख्या में जो गांव बसे हुए हैं, उन गांवों को और उन शहरों को ऐसे विकसित करना ताकि उनके द्वारा जिस प्रकार के प्रदूषण को, जिस प्रकार के औद्योगिक वेस्टेज को गंगा नदी में सीधे सीधे बहा दिया जाता है, उनको रोका जा सके। आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र को भी इसी के अंतर्गत विकसित करने की कोशिश भी की जाएगी और इसी सेक्टर में इस पैसे को खर्च करने के लिए अनुमति दिया गया है। यदि हम बात करें नमामि गंगे मिशन का, तो इसमें मुख्य रूप से जैसे मैंने आपको बताया 97 शहर और 4,465
गांव जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं उनको एक ऐसे स्वच्छ तकनीकों को अपनाते हुए पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी, जिसके माध्यम से इनके द्वारा प्रदूषण को गंगा में न महाया जाए। नमामि गंगे को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और इसके समकक्ष राज्यों के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, लागू कराया जा रहा है। कहने का मतलब है कि जो गंगा नदी है वो 5 राज्यों से होकर बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, लेकिन इसको 8 राज्यों में 8 राज्यों की सरकारों के द्वारा इसे लागू कराया जा रहा है। कहाँ ये 5 राज्य तो हैं ही, साथ ही जो हरियाणा है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान, ये राज्य हैं जहाँ पर 8 राज्यों की सरकार और नमामि गंगे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इनके द्वारा इस कार्यक्रम को लागू कराने का कार्य किया जा रहा है। इसके माध्यम से एक महत्वपूर्ण कार्य जो रखा गया है, लक्ष्य जो रखा गया है वो ये कि 2022 तक गंगा के किनारे बसने वाले जितने भी पंचायत हैं उनको आपस में जोड़ा जाएगा ताकि वे आपस में संवाद कर पाएं और प्रदूषण को कम करने और गंगा को साफ करने की दिशा में कार्य कर पाएं। यदि हम बात करें नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी कि जो इसे लागू कराने का कार्य कर रही है उसका, तो ये एक सोसाइटी के रूप में, मतलब समाज के रूप में 2011 में स्थापित किया गया और इसे एक समाज के रूप में पंजीकृत कराया गया था। वर्तमान में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग जो है वो शासी परिषद है यानी कि शासन करती है, कानून बनाती है, नियम बनाती है, और दूसरा जो है वो कार्यकारी परिषद है, मतलब उसे लागू कराने का कार्य किया जाता है। याद रखेंगे नमामि गंगे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है उसके 2 हिस्सा है, उनमें एक जो है वो शासी परिषद है जो नियम कानून बनाती है और दूसरा हिस्सा जो है वो उसे लागू कराती है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसे करने में सक्षम होंगे। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं, आपको इनमें से सही कथन की पहचान करनी है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 3 के पर्यावरण और उससे संबंधित मुद्दे कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी कि सेंट्रल जू ऑथोरिटी का, तो इसके बारे में पहला कथन कहता है कि ये एक वैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे एक कानूनी निकाय के रूप में गठित किया गया था, एक कानून बनाकर इसका निर्माण किया गया था, इसलिए ये एक वैधानिक निकाय है, एक कानूनी निकाय है, एक सांविधिक निकाय है। याद रखेंगे संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक सांविधिक निकाय है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि इसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के माध्यम से किया गया है। गलत, अभी मैंने बताया कि इसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 के माध्यम से किया गया है। दूसरा कथन गलत है, सही पूछा गया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। यदि हम बात करें कि ये अभी न्यूज में क्यों आया है, तो फ्रेंड्स, पर्यावरण मंत्रालय ने जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है उसकी संरचना में अभी परिवर्तन किया है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत जो चिड़ियाघर प्राधिकरण था वहां पर कुछ सदस्य हुआ करते थे। अब उसका जो संरचना होगा उसमें पर्यावरण मंत्री होंगे और ये इसके अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा 2 अन्य सदस्य होंगे इस प्राधिकरण में। एक तो होंगे सेंट्रल जू ऑथोरिटी में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड एग्रीकल्चर दिल्ली के एक विशेषज्ञ शामिल होंगे। दूसरा जो होंगे वो आणविक जीव विज्ञान के एक सदस्य होंगे। तो ये 3 लोगों को मिलाकर ये प्राधिकरण बनाया जाएगा। क्यों बनाया गया है, अभी ही बनाने की क्या जरूरत पड़ी? तो फ्रेंड्स, अभी टाइगर सेंसस हुआ था, मतलब भारत में कितने टाइगर हैं उनका जनगणना हुआ था, तो ये पाया गया कि भारत के कुछ ऐसे टाइगर रिजर्व है, जैसे कि पलामू टाइगर रिजर्व है, वेस्ट बंगाल का बुक्सा टाइगर रिजर्व है, ऐसे ही बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं जो हैं तो टाइगर रिजर्व, मतलब हैं तो टाइगर रिजर्व, लेकिन यहां पर एक भी टाइगर नहीं है।
तो अब यहाँ पर टाइगर तो लाना पड़ेगा ना। तो भारत में बहुत सारे ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जहां पर बाघों की संख्या अच्छी खासी है, तो वहां से इनको लाने के लिए, जहां पे अभी टाइगर नहीं है उनको लाने के लिए अनुमति कौन देगा? तो यही ऑथोरिटी देगी, पहले चेक करेगी कि वहां पर हम करें कि ना करें, इससे पहले जो टाइगर था वो क्यों खत्म हो गया, इन सब चीजों को चेक करेगा, दोनों राज्यों के बीच में संवाद कराएगा, केंद्र सरकार के साथ बात करेगा और फाइनली यही उसको लागू कराने का कार्य करेगा। तो इसीलिए इसे बनाया गया है अभी, तो आप याद रखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में कि ये एक वैधानिक निकाय है, इसकी अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री के द्वारा किया जाता है और दो सदस्य कौन कौन होते हैं मैंने आपको बता दिया। इसका मुख्य कार्य है कि भारत में जितने भी चिड़ियाघर हैं, हजारों की संख्या में चिड़ियाघर हैं, उन चिड़ियाघरों के लिए कानून बनाना, उन चिड़ियाघरों के को विनियमित करना, एक राज्य से दूसरे राज्य में यदि कोई जानवर को लाया ले जाया जाता है तो उसको अनुमति देना, इन सारे चीजों के लिए रेगुलेशन करने के लिए, देख रेख करने के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी का निर्माण किया गया था। कौन से कानून के हिसाब से किया गया था हम लोगों ने देख लिया है, तो आप इन सारी बातों को याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंड्रोमोर्फिज्म के संबंध में सही है। यहां पर आपको चार कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि जेंड्रोमोर्फिज्म के बारे में कौन सा व्याख्या कर रहा है। आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 3 के बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें फ्रेंड्स पहले कथन का, तो वह कहता है कि यह वह स्थिति है जहां एक ही प्रजाति के दो लिंग अपने यौन अंगों के अंतर में अंतर से परे विभिन्न विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा कथन कहता है यह ऐसी स्थिति है जहां जीव में नर और मादा दोनों प्रकार की विशेषताएं होती हैं। तीसरा कथन कहता है यह ऐसी स्थिति है जहां एक एकल जीव एक से अधिक विशिष्ट जीनोटाइप वाली कोशिकाओं से बना है। चौथा कहता है यह एक ऐसी स्थिति है जहां जीव का कोई लिंग नहीं होता है। आपको इसमें से बताना है फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी के द्वारा पूछा जाता है कि हाल फिलहाल में ये शब्द समाचारों में देखे गए थे, किससे जुड़ा हुआ है, तो आप इसी से उसे जोड़कर देख सकते हैं, समाचारों में शब्द से जोड़कर देख सकते हैं, प्रीलिम स्पेशल मान के देख सकते हैं, जैव विविधता से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें जेंड्रोमोर्फिज्म का, तो ये एक ऐसी विशेषता है जिसमें किसी एक ही जीव में नर और मादा दोनों के गुण पाए जाते हैं। यह बहुत ही रेयर जैव विविधता का गुण है जिसमें किसी एक ही संरचना में नर और मादा दोनों का गुण पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी। अगर हम बात करें कि यह अभी न्यूज में क्यों आया है फ्रेंड्स, तो कोले नाम करके एक वेटलैंड है, ये कहाँ है? कोले वेटलैंड, ये केरला में है। तो यहाँ पर ये देखा गया कि एक तितली की प्रजाति है जहाँ पर ये गुण देखा गया है। कौन सा गुण? जेनोमोर्फिज्म का गुण देखा गया है, जिसमें क्या होता है कि नर और मादा दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों की विशेषताएं एक ही जीव में होती है। ऐसा नहीं है कि ये जो ड्रैगन फ्लाई मतलब ये जो तितली थी उसमें पहली बार, मतलब वो हमेशा से ऐसा नहीं है। उसकी नर जो थी वो देखने में कुछ इस प्रकार से थी और अभी भी है, लेकिन जो कुछ चेंजेस आए हैं वो इस तितली में देखा गया है और ये बिल्कुल उसी तितली का पिक्चर है जिसको न्यूज में आया था, द हिंदू के अंतर्गत आया था और ये 28 जून का न्यूज है जिसे हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। आपसे यदि पूछा जाए तो कोले वेटलैंड के बारे में पूछा जा सकता है या फिर ये पूछा जा सकता है कि ये इस प्रकार की विशेषता कहाँ पाई गई, तो आप याद रखेंगे पश्चिमी घाट के हिस्सों में पाई गई क्योंकि केरला पश्चिमी घाट के हिस्से में है। और यदि ये पूछा जाए कि ये क्या है तब भी आप कर लेंगे। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन कथन दिए गए हैं आपको, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। फ्रेंड्स आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर तीन में लिखा गया फूड सिक्योरिटी के बारे में, नहीं जीएस पेपर तीन ही है, मतलब
अर्थशास्त्र तो वही है, कंफ्यूज कर रहा हूँ। तो फूड सिक्योरिटी से आप इसे जोड़कर देख सकते हैं। यहां पर आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला क्या कहता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अधिकार आधारित दृष्टिकोण से कल्याणकारी दृष्टिकोण पर एक बदलाव का प्रतीक है। देखिए ये स्टेटमेंट को उलट दिया। जो फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था ना, उसमें क्या लिखा गया है कि कल्याणकारी दृष्टिकोण से, मतलब भारत का जो संविधान है वहां पर बताया गया है भारत को कल्याणकारी राज्य होना है, तो कल्याणकारी दृष्टिकोण से कानूनी दृष्टिकोण पर पहुंचना है। आपको स्टेटमेंट क्या कह रहा था, ये अधिकार आधारित दृष्टिकोण से कल्याणकारी दृष्टिकोण की ओर जाने की बात कर रहा है, जबकि भारत के संविधान में किस बात को लिखा गया है, कल्याणकारी दृष्टिकोण से अधिकार के दृष्टि में। और जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया, उसको क्यों लागू किया गया, क्योंकि भारत के संविधान में बताया गया है कि आपको कल्याणकारी राज्य होना है, और इस कल्याणकारी राज्य होने के लिए भारत सरकार के द्वारा फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया जाता है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, लोगों को भोजन का प्रबंध करने की बात कही जाती है। यानी कि पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि स्टेटमेंट जो है ना वो गलत है, लिखा गया है उल्टा लिखा गया है। और ये जो स्टेटमेंट है वो हमने सीधे सीधे फूड सिक्योरिटी एक्ट से ही उठा के लेके आए हैं, तो आप याद रखेंगे इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया था। ये पहला कथन जो है वो गलत है, क्यों गलत है आपने देख लिया। अब हम देखते हैं दूसरा कथन क्या कहता है, कि दूसरा कथन देखिए बिल्कुल सही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर इलिमिनेशन मेथड के आप हिसाब से जाएंगे तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आपने हटा दिया, दूसरा कथन सही है ही है, चाहे आप इसको जान रहे हैं चाहे नहीं जान रहे हैं। अब दूसरा कथन को हम देख लेते हैं क्या कह रहा है, कि अधिनियम कानूनी रूप से 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को TPDS मतलब टारगेटेड PDS के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। बिल्कुल सही है, मतलब जब फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया था उसमें यही लक्ष्य रखा गया था कि भारत में 75% ग्रामीण आबादी है, उनको इस अधिनियम के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, और जो 50% शहरी आबादी है उन लोगों को इस कानून के माध्यम से फूड सिक्योरिटी की बात कही गई थी। यानी कि दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा क्या कहता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को भारत के संविधान के तहत भोजन के अधिकार के स्पष्ट प्रावधान के अनुसार स्थापित किया गया है। आपने इतना संविधान पढ़ लिया, कहीं पर देखा आपने भोजन का अधिकार लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है ना, वो तो अनुच्छेद 21 के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसको व्याख्या कर देते हैं कि हम लोगों को ये अधिकार की आवश्यकता है, जीवन जीने का जो अधिकार है उसके हिसाब से हम लोगों को ये अधिकार है। स्पष्ट शब्दों में यहाँ ऊपर से लिख रहा है कि स्पष्ट प्रावधान किया गया है, भारत संविधान में कहीं स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है भोजन के अधिकार का, तो तीसरा भी गलत हो जाता है। आंसर क्या निकल जाता है, ऑप्शन ए, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें कि अभी न्यूज में क्यों आया है, तो हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो था उसको अब नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो कौन से प्रावधान किए गए हैं आप वहां पे जाके देख सकते हैं। उसी से संबंधित जो बात पूछा जा सकता था कल मैंने डिस्कशन नहीं किया, इसीलिए मैं आज इसे आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि फूड सिक्योरिटी एक्ट जो था वो 2013 में आया था, 75% आबादी ग्रामीणों को, 50% शहरी लोगों को, और कुल देश की आबादी का 2/3 लगभग 66% आबादी को इसके अंतर्गत टारगेट किया गया था कि इन लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। जिस मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है, मतलब PDS कार्य करता है, उसको आप याद रखेंगे, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, तो ये पूछा जा सकता है, इन सारी बातों को आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का डिस्कशन था, हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। आपको यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, कुछ बताइए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कैसा है, कैसा इम्प्रूव किया जा सकता है, आपको क्या चाहिए, ये सारी बातों को आप लेकर कॉमेंट कर सकते हैं, हमें बताइए, हमें मोटिवेशन मिलेंगी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँच सके। हिंदी का रिजल्ट जिस प्रकार से खराब होता जा रहा है उसको सुधार करने में सब मिलकर कोशिश करेंगे तो ये एक दिन आएगा जिस दिन 50% हो जाएगा। आज तो 8 हैं गिन के, 2018 में 8 लोग सेलेक्ट हुए हैं। थैंक यू।